हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमृति फैशन विला। आज की वीडियो में हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये ड्रेस बनाने वाले हैं। आप देखिए हमने कितनी खूबसूरत सी ये फ्लावर वाली ड्रेस बनाई है कान्हा जी के लिए। आप देखिए इसे अभी आप रेड कलर से बनाएंगे तो एकदम कमल के फूल की तरह लगेगी। मैंने बेबी पिंक और व्हाइट कलर से बनाई हुई है। चोली के लिए मैंने यहाँ पे ये रिबन लिया हुआ है, इसी से चोली बनाऊंगी। ये देखिए यहाँ से इस तरह से हमें लेके आना है, ये ऐसे यहाँ पे आगे क्रॉस हो जाएगा। क्रॉस करने के बाद यहाँ हम पीछे से बांध देंगे। तो इस तरह से आप छोटे कान्हा जी की चोली ऐसे बांध सकते हैं। आप ये पोशाक जीरो साइज को भी पहना सकते हैं, एक नंबर और दो नंबर, तीन साइज के कान्हा जी को आप इसे पहना सकते हैं। तीन साइज मैंने बोला है, तीन नंबर नहीं। जब मैं इस तरह से बोलती हूँ तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने आपको फिर से बता देना है। देखें आप जीरो साइज भी पहना सकते हैं, एक नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं और दो नंबर के कान्हा जी को पहना सकते हैं। ये तीनों साइज जो मैंने अभी आपको बताई, ये तीन साइज को आप इसे पहना सकते हैं। ये देखें इस तरह से मैंने इसे पहना दिया, ये हमारे दो नंबर के कान्हा जी हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो मुझे वहां पे भी फॉलो करिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है अमृति फैशन विला 50, अपना लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पे इनकी ये जो चोली की ये स्ट्रिप है वो हम पीछे इस तरह से सेट कर लेंगे, पीछे लेके चले जाना है। और यहाँ से ये इनकी कमर पे हम पहले अच्छे से इसे सेट करते हैं, फिर हम अपनी डोरी को बांधेंगे। ये रही हमारी डोरी, तो डोरी भी हम पीछे की साइड ही बांधेंगे। ये इस तरह से यहाँ पे आप कान्हा जी को बैठा दें और ये डोरी को पकड़ के हम पीछे से बांध लेंगे। ये पीछे की साइड से मैंने इसे बांध दिया, बहुत ही खूबसूरत लग रही है पोशाक और एकदम इजी तरीके से मैंने आपको इसे बनाना भी बताया है। इस तरह की पोशाक मैंने इसके पहले भी बताई हुई है, तब मैंने आपको बिना सिलाई मशीन के इसे बताना बताया था। आज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ किया है सिलाई मशीन का। अगर आपके पास सिलाई मशीन नहीं है तो इतने दूर आप सुई धागे से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से हो गई। यहाँ पर ये जो इसकी फ्रिल्स है वो हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। आप देखें कितनी खूबसूरत लग रही है और एकदम छोटी सी हमारी पोशाक बन के रेडी हो गई है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं हमने इसे कैसे बनाया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे ये बेबी पिंक कलर में फैब्रिक लिया हुआ है। ये हमारा नेट का फैब्रिक है, जो हमारी साइनिंग वाली नेट आती है ये वो वाला है। ये थोड़ा सा हार्ड होता है फैब्रिक। ये देखिए 5 इंच इधर से है और इधर से भी हमने ये 5 इंच रखा हुआ है। 5 इंच लंबाई चौड़ाई का हमारा ये फैब्रिक है। ये देखिए हमें ऐसे इस तरह से इसे रखना है, यहाँ से ऐसे पकड़ के इसे ट्राइंगल बनाएंगे। ये देखिए ये हमारा ट्राइंगल बन गया। अब इसे यहाँ से सेंटर से मोड़ के एक बार और बनाएंगे ट्रायंगल। ये देखिए हमारा इस तरह से बन गया ऐसे करके। अब इतना बनने के बाद फिर एक बार सेंटर से ही पकड़ के मोड़ लेंगे तो ये हमारा इस तरह से बन गया। ये देखिए अब इसकी ये वाली एक साइड देखिए ऐसे कोनाई आ रही है और इधर से ऐसे प्लेन साइड आ रही है। ये देखिए इधर हमारा प्लेन साइड जिधर आ रहा है इधर इसकी जितनी भी लंबाई है इसका आधा इतना होगा। तो हमें यहाँ से ऐसे सिलाई लगानी है, यहाँ से सिलाई लगाएंगे ऐसे यहाँ पर तिरछी लगा के दिखा देती हूँ आपको। ये देखें ये इस तरह से यहाँ पे ऐसे करके हमें तिरछी सिलाई लगानी है, ये इस तरह से। एकदम सिंपल और आसान सा तरीका है गाइस। इस तरह की ड्रेस मैंने आपको पहले भी बनाना बताया हुआ है, उसमें मैंने आपको सिलाई मशीन का यूज़ करना नहीं, बिना सिलाई मशीन के बताया था, जिसमें आपको सिलाई मशीन का नहीं यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन फिर से बता देती हूँ, एक बार यहाँ से मोड़ दिया, ये मुड़ा, अब सेंटर से मोड़ लेंगे और जहाँ से हमने मोड़ा था वहीं से एक बार और मोड़ लेंगे। बस ये हमारा डिज़ाइन बनके रेडी हो गया। ये देखिए ये इस तरह से जैसे रेडी हुआ इसे हमें सिल देना है। यहाँ से ये ऊपर की साइड से हम इसे फिर से सिल देंगे। आप देखिए कितना इजी है, बहुत इजी है गाइस। अगर आप बिगनर हैं तो भी अपने कान्हा जी के लिए जन्माष्टमी पे इसे बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये इस तरह से हमने इसे स्टिच कर लिया है, यहाँ से कट कर दूंगी, इसे इधर से कट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए जो एक्स्ट्रा आ रहा है उसे यहाँ से ऐसे कट करके हटा देना है। ये हमने कट कर लिया, ये हमने कट कर दिया। एक बार और बना के दिखा देती हूँ। देखिए ये हमारा एक पीस बचा हुआ है। इस तरह से हमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद यहाँ सेंटर से एक बार मोड़ दिया और फिर यहीं सेंटर से एक बार मोड़ दिया और इस पर हमने सिलाई लगा दी। ये इस तरह से यहाँ से तिरछी सिलाई लगानी हमें, ये हमने लगा दी।
यहाँ पे आपको अपनी सिलाई को लॉक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही सिलाई लगा देंगे। देखिए सिलाई लगाने के बाद यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे सेम तरीके से कई सारे पीसेस बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे सुई में देखें मोटा ऊन डाल दिया है 3-4 बार करके, हमें यहाँ पे डोरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए इसमें से एक लेयर हमें लेनी है और उसे हम इस तरह से लगाएंगे। आगे से देखिए थोड़ा सा छोड़ के यहाँ हमें ऐसे सुई में डालना है। एक को हमने डाला, फिर आगे से छोड़ के दूसरे को हमने डाल दिया, फिर देखें आगे से छोड़ के तीसरे को हमने डाला, फिर आगे से थोड़ा छोड़ते हुए ये चौथे को हमने डाला। इसी तरह से हमें यहाँ पे डाल देना है ये इतना। देखिए इधर से थोड़ा छोड़ देंगे बांधने के लिए, दूसरी साइड से भी हमें इसे बांधना पड़ेगा। ये इतना हो गया है। यहाँ से ये जो हमने चार डाला हुआ है, अभी देखिए ये चारों हमारा पास पास है, तो यहाँ से एक्स्ट्रा जो है वो कट कर लेंगे। देखिए मैंने इतना दूर रख के कट किया है, एकदम पास से नहीं कट कर दिया। अभी मैं सुई में ही आपको कट करके दिखा दूंगी कि किस तरह से कट करना है। ये देखें एक को हमने डाल दिया, ये हमने दो को डाला, ये हमारा तीसरा गया, ये देखिए कटा नहीं है ये हमारा, इसे काट देती हूँ। ये हमारा चौथा गया यहाँ पे, ये हमारा पांचवा, मैंने पांच डाल दिया इस बार। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से पकड़ के हमें कट कर लेना है इसे। यहाँ ये थोड़ा दूर से ही कट करेंगे, ये नहीं कि एकदम सुई के पास से आप कट कर दें। ये इस तरह से हल्का सा दूरी से मैंने इसे कट कर लिया। अब कट करने के बाद इसे भी इसके पास लेके आ जाएंगे ये इस तरह से। ये देखें बहुत ही खूबसूरत सी हमारी ये ड्रेस बन के रेडी होगी। ये देखिए अभी ये सरक रही है, बट अभी ये हमारी सेट हो जाएगी। ऐसे करके हमें यहाँ पे अपने सारे फ्लावर लगाने हैं। लेकिन देखिए लगभग यहाँ पे हमारा आधा आपको समझ में आ रहा होगा, तो चलिए मैं यहाँ पे सारे फ्लावर लगाती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए हमने यहाँ पे पूरा इसमें डाल दिया है, सभी पीसेस को भी गिन के बता दूंगी कि कितने पीसेस हैं। अब यहाँ से इस तरह से थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हुए कट कर दिया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मोती लगानी है, तो दिखाती हूँ। ये मैंने मोती ली हुई है, ये देखें बड़े साइज की है, ये हमने 10 नंबर में मोती ली है। अब देखिए इसमें हमें अपनी मोती को लगानी है। ये हमारा एक फ्लावर है, एक फ्लावर के यहाँ पे इस तरह से आएगी ऐसे करके, ये देखें इस तरह से आएगी। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं, मैंने यहाँ पे सुई में अपना ऊन डाला हुआ ही है, नॉट लगा लेती हूँ। इस तरह से नॉट लगा दी, और नॉट लगाने के बाद देखें किस तरह से हम इसे फंसाएंगे। सबसे पहले अपना पहला वाला लेंगे, इसमें आप बीच में कोई भी छोड़े नहीं। पहला वाले में देखिए अंदर से मैंने इसे डाल के इस तरह से निकाला, और निकालने के बाद यहाँ से लेके आऊंगी इस तरह से। ऐसे हमारी नॉट जो है वो अंदर रहेगी, बाहर दिखेगी नहीं। हमारी नॉट अंदर हो गई, ये हमने एक मोती ली और इसे हम यहाँ पे इस तरह से लगा देंगे। ये ऐसे करके यहाँ पे हमारी लग गई मोती, ये देखें इस तरह से लग गई है। अब अपना दूसरा फ्लावर लेंगे, इसमें देखें यहाँ नीचे से मैं डाली हूँ, लगभग ये जितना भी लंबाई है इसका, इसके सेंटर से इस तरह से हमने यहाँ पे डाला इसे। और डालने के बाद फिर अपनी एक मोती लेंगे, ये देखें इस तरह से मैंने डाला, और यहाँ पे इसे भी सिल दूंगी ये ऐसे करके। ये देखें यहाँ पे ये हमारा लग गया। फिर हम यहाँ पे अपना अगला फ्लावर लेंगे, ये देखें इस तरह से, और पहले अपने फ्लावर में डालेंगे ये लगभग। देखिए फिर से मैं सेंटर से ही डाल ली हूँ, और सुई को डालने के बाद यहाँ पे अपनी मोती डालेंगे। इसे हम अच्छे से कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनेगी और बहुत जल्दी से बन जाती है, टाइम नहीं लगेगा आपको बनाने में इसे। ये इस तरह से यहाँ पे हमने डाल दी, ये देखें ये सेंटर में आ गई है, ये इस तरह से आएगा सभी के सेंटर में। तो चलिए मैं ऐसे ही सभी में करती हूँ, फिर आगे बताऊंगी क्या करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे ये मोती लगा दी, आप देखिए हमारा अपने आप ही इस तरह से राउंड शेप में हो गया है। और मैंने यहाँ पे देखें ये आपको दिखाती हूँ, ये इस तरह से हमारा
इसे पीछे कर लेते हैं जो बांधने वाला है। ये देखिए यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 टोटल यहाँ पे हमारे 20 पीसेस लगे हैं। अब देखिए यहाँ से हम इसे क्या करेंगे, ज्वाइंट कर लेंगे। ये यहाँ तक हमने लगाया है, अब यहाँ से इस तरह से हमें डालना है इसमें, और डालने के बाद ये एक दो मोती में डालेंगे और उसके बाद पीछे से निकाल देंगे। इससे हमारा यहाँ पे ये ज्वाइंट हो जाएगा। ये देखें इस तरह से, ये हमारा यहाँ पे देखिए अब ज्वाइंट हो गया है। ये पूरा प्रॉपर एकदम राउंड सा शेप हो गया हमारा, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पीछे की साइड से नॉट लगा के इसे कट कर देंगे। इस तरह से हमें नॉट लगाई, और नॉट लगाने के बाद इसे कट कर दिया। बस हमारी ड्रेस जो है वो रेडी हो गई। आप देखें कितने इजी तरीके से हमने आपको इसे बनाना बताया है, और ये कितनी सुंदर लग रही है। आप खुद ही देखिए कितनी अच्छी लग रही है। ये हैं हमारे 2 नंबर के कान्हा जी। ये पोशाक 1 नंबर को पहना सकते हैं आप, 0 नंबर और 2 नंबर को, 3 साइज को आप इसे पहना सकते हैं। और चोली के लिए हमने यहाँ पे ये 12 इंच लंबाई का रिबन लिया हुआ है। तो चलिए पहना के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए गाइस, हमने यहाँ पे कान्हा जी को पोशाक पहना दी है। इसे बनाना बहुत इजी था, मैंने एकदम सिंपल वे में आपको बनाना बताया है। इसे पहना के मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया है, अगर आपने वीडियो स्किप कर दिया तो आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा राधे राधे।